बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, कल से हम इसी काफी ज्यादा सजेशन मिल रही है और कल हम लोगों ने जो एक वीडियो देखी थी काशी विश्वनाथ मंदिर की, उसी से रिलेटेड आई थिंक ये कोई वीडियो है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हम लोगों को बताया है। तो देख लेते हैं कि वीडियो क्या है, टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है पीएम मोदी डाइंस विद लेबर्स हु बिल्ड द काशी विश्वनाथ धाम आफ्टर इनॉग्रेशन। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलग मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मेरे मुताबिक जो है ना, इस तरह प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठ के इस तरह खाना जो है ना, यू नो, काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको जो है ना मुश्किल लगता होगा। क्योंकि समटाइम्स अगर हम बात करें ना, तो जैसे हम एक ग्रुप में दो से और ग्रुप में बैठ के खाते हैं ना, तो उसमें और इसमें बड़ा फर्क होता है। देखो, नो डाउट एक डिफरेंस तो होता है, बट आपको कैसा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर जी की बात करूँ, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखी है, मुझे याद आ रहा था वीडियो देखते हुए कि जहां पर मुझे एग्जैक्ट वो वीडियो का टाइटल नहीं याद, बट उसमें क्या था, जितने भी कर्मचारी थे उनके पैर वो खुद धो रहे थे। बिल्कुल, मैंने भी देखी हुई है। और उसके बाद अब मैं ये वाली वीडियो देख रही हूँ, तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों का एक ओपिनियन ये भी रहता है कि भाई दिखावे के लिए हो रहा है, वोट्स के लिए हो रहा है, और बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि नहीं वो बहुत अच्छे इंसान है। बट मेरा यहाँ पर मानना ये है कि चाहे दिखावे के लिए भी अगर हो ना, तो ऐसा करना आसान काम नहीं होता। तो एक लीडर के लिए जिस तरीके से वो चीजों को लेकर चलते हैं, क्योंकि उनको इतने ज्यादा लोग जो है वो फॉलो करते हैं, आप हर चीज पब्लिसिटी के लिए कर सकते हो, बट मेरे ख्याल में आप किसी में इतना, मैंने अभी तक किसी भी लीडर को इस तरीके से नहीं देखा अपनी लाइफ में जो कि इस तरह की चीजें करता हो। तो सो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं, मेरी जो ओपिनियन है वो इस साइड पर ज्यादा बनती है कि नहीं, जो चीजें वो कर रहे हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए और लोगों में, देखो अगर देखा जाए ना, तो एक बराबरी के लिए वो चीजें जो है वो सामने लेकर। यार देखें, जो लीडर्स होते हैं ना, वो बहुत सारी एग्जांपल सेट करते हैं, और अगर देखा जाए तो वैसे आजकल के जो ज्यादातर लीडर्स हैं, अगर उन्हें देखा जाए ना, तो वो इस तरह की एग्जांपल्स बनाते हैं कि अगला बंदा जो है ना तोबा तोबा ही करता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम, कई ऐसे लीडर्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे अगर मैं ये वीडियो बात करूँ, इससे पहले भी हमने एक वीडियो देखी, तो ये एक एग्जांपल थी कि जो, यानी कि एक होता है ना, जो
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि जो मुल्क का सरबराह है वो असल में एक खिदमतगार है, यानी कि उसका काम है कि एक मुल्क को लेकर चलना, यानी कि जो एक उसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो वो कुछ इस तरह होती है। लेकिन हम अगर ऑन द अदर साइड जब देखते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि जो एक बंदा पावर में आता है ना, जब वो अपने आप को ना खुदा समझना शुरू हो जाता है, ये हमारे यहाँ पर खासतौर पर मैं अपने साउथ एशिया के रीजन की बात करूँ ना, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। मैं ये कहूंगी कि मैंने आधे जितने भी लीडर्स देखे हैं ना, मैंने तो उनको देखा हमेशा बड़े प्रोटोकॉल के बिल्कुल साथ, ओके, और साथ में अगर कोई ऐसा इवेंट भी है तो उसमें भी इंतहाई आपको आपका जो खाना है ये जो बड़े शहाना अंदाज में आपको एक, और जिस जगह पर आप मतलब के उनका अरेंजमेंट होगा वहां पर एक आम आदमी की एक्सेस भी नहीं होगी, इस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। बट यार, मेरा हाँ मैंने मैंने जो है ना कुछ क्लिप ऐसे भी देखे हैं कि हर चीज़ जो है ना वो प्री प्लान्ड की जाती है, कि जो वहाँ पे खाने वाले होंगे या वहाँ पर जिनसे इंटरव्यू लिया जाएगा वो आपके अपने लोग होंगे, ये चीज़ भी जो देखो है। प्लान तो हाँ यहां पर भी होगा कि जो हाँ जितने भी वहां पर वर्कर्स हैं उनके साथ बैठकर खाना, बट बिल्कुल मेरा कहने का नहीं, था लेकिन कहने का मतलब है एक होता है ना कि जो मोमेंट्स है पूरे वो इस तरह के प्लान कर दिए जाना कि सारे बंदे अपने के अपने। हाँ, लेकिन मुझे ना ये चीज समझ में नहीं आती टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने जितना भी मोदी जी को देखा है, उनकी वीडियोस देखी हैं, मुझे वो बहुत मैं कहूंगी कि क्लियर लगे हैं अपने वेन को लेकर, और वो बहुत फोकस्ड हैं, और वो लोग उनको बहुत मतलब अजीब अजीब बातें भी करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, बट मैंने देखा है कि वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ वो काम को कर देते हैं जिसको मतलब वो करना करना चाहते चाहते हैं। हैं तो मुझे ये चीज उनमें बहुत पसंद आती है कि लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या कहेंगे, उनका फोकस इस पर कभी नहीं होता, उनका फोकस हमेशा ये रहता है कि मुझे क्या करना है। इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो देखी थी जिसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स थे जो कि हाँ ओलंपिक्स में जिन लोगों ने बिल्कुल हाँ पार्टिसिपेट किया बिल्कुल था, और फिर उनके लिए एक जैसे एक हम कहेंगे कि डिनर डिनर नहीं था सॉरी लंच था, आई थिंक कुछ इवेंट इवेंट ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज किया किया गया गया था था। जिसमें सब लोग आए थे, उनके साथ जिस तरीके से बातचीत की गई, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि एक लीडर का इस तरीके से अपनी जनता के साथ घुल मिल जाना कि लगे ही नहीं। मुआजम वाली बात ठीक है कि जब आप इतने बड़े इंसान को मिलते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं आप पेट में दर्द शुरू हो जाती है कि भाई ये पता नहीं क्या बात है, हम कहीं हमारी किसी बात से वो बुरा ना नाराज मना आ ना जाए। हो हाँ जाए। बट मैंने हमेशा जितने भी इवेंट्स में उनको देखा है आम जनता के साथ बात करते हुए, मैंने उनको बहुत फ्रेंडली और मैंने इस तरह का देखा कि वो हमेशा दूसरों को मोटिवेट करते हुए नजर आए। यार, मैं थोड़ा यानी कि थोड़ी सी पीछे से बात करना चाहूँगा कि जो लीडर्स होते हैं ना, उनका पता ही वहाँ से चलता है कि वो अपने फैसलों पे कितने अटल रहते हैं। वो जो उनकी एक फैसला कर लेते हैं ना, उससे उस पर डेडिकेशन, उसको फिर बताना कि हाँ भाई ये मैंने फैसला लिया था, मैंने इस काम को पूरा भी कर दिया। ये नहीं कि भाई आज कुछ फैसला कर दिया, कुछ कल कुछ फैसला कर दिया, इस तरह जो है वो नई चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे मानदी ने बात की कि एक डेडिकेशन, एक फोकस, एक पता है कि भाई मैंने ये काम करना है तो मैंने करना है करना है, ये क्वालिटी एक लीडर में होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आई थिंक इट माइट साउंड वियर्ड कि मतलब जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो बहुत सारे हमें ऐसे भी कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि आप लोग ऐसे मतलब वीडियोस बनाते हो जिसमें आप सपोर्ट कर रहे हो, तो हालांकि मैं कभी कभी सोचती हूँ हम लोग तो सिर्फ देखते हैं और जो काम हो रहे होते हैं उसी बेस पर हमारी ओपिनियन बन रही होती है, बट एज अ लीडर आई रियली लाइक हिम क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं अपने लोगों के लिए और जो वो कर रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट्स हालांकि अगर देखा जाए तो वो मतलब पिछली गवर्नमेंट के हैं लेकिन अब की गवर्नमेंट उसको कंप्लीट कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने यहां पर अपनी गवर्नमेंट्स को ऐसे काम करते हुए कभी नहीं देखा कि क्या पिछली हमने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हों, हाँ हमने उनको डिले होते हुए बंद होते हाँ उनको हुए बंद होते हुए देखा है, ऐसे कभी नहीं देखा कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स को काम करते जा रहे हो। और वैसे अगर योगी जी की भी अगर हम लोग बात करें हाँ तो मतलब जो हम लोगों ने सुना है उनके बारे में कि वो भी अपनी स्टेट में बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही बंदे को सब लोग पसंद करें, ऑब्वियसली कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं कुछ अच्छी नहीं लगती, बट आई थिंक जो चीजें अच्छी हैं ना उन पर हमेशा अप्रिशिएट करना यार, चाहिए। वैसे मैं यूपी की बात करूँ क्योंकि उनकी यूपी पे सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, तो मैं अगर
अगर यूपी की बात करें तो यूपी जो है वो इंडिया की जो है में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है, उसकी आबादी कोई 22-23 करोड़ के पास पास है। तो इतनी आबादी वाली स्टेट को वैसे ही संभालना, उसे बहुत लेकर मेहनत। चलना बहुत मुश्किल और आई थिंक काम मैंने है। सुना था कि वहां पे पहले क्राइम्स बहुत और होते थे वही और मैं अभी बात वही हाँ मैं बात करने लगा कि इन फ्यूचर जो है अगर हम देखें तो जो है यूपी में क्राइम बहुत ज़्यादा था। इवन कि हम जितने भी वेब सीरीज देखते हैं क्राइम वाली खास तौर पर, वो या तो यूपी पे होती हैं या बिहार पे होती हैं। अच्छा, वैसे मैंने ये लो चीज कभी इतना इन्होंने नोट नहीं की, देखनी इतनी जरूर। इतनी इन्होंने देख ली। जो मिर्ज़ापुर है वो भी हाँ, तो यूपी वो वाली मैंने साइड की देखा है, बनाई लेकिन हुई है यार ना, मैंने यूपी इतना नोट बिहार। नहीं किया। मैंने मुझे लगता है कि थोड़ा ना उसी तरीके से बस ऐसे ही बना देते हैं, बट खैर मुझे वो इतना कभी आइडिया, मतलब इस साइड में मेरी सोच नहीं गई। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि एक लीडर को ना मुझे लगता है कि इतना ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उसको इतना ही डाउन टू अर्थ रहना चाहिए बिल्कुल ताकि उसके जो आम लोग हैं ना उनकी एक्सेस इजी हो उस बिल्कुल तक, सही और बात वो है। अपने मन की बात कर सकें, वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकें और उनको पता हो कि अगर हम बात बताएंगे ना तो उसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा, ये नहीं कि वो बस हवा में बात चली जाएगी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ना, हमें पसंद है या नहीं है कोई पसंद, बट हमें ये देखना जरूरी है कि ना काम कौन कर रहा है, हमें उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर अब मुझे लगता है हमें अपनी पसंद ट्रू नापसंद बनानी चाहिए। वेल, ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छे मैसेज के साथ बिल्कुल मतलब हम सबके सामने आई है, और मुझे लगता है कि बाकी जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों को, उनके लिए भी ना ये एक इंस्पिरेशन होनी होनी चाहिए कि चाहिए। आपको अपने लोगों के साथ किस तरह से रहना है। सो गाइज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और इसी के साथ हमें इजाजत। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ हमें हमारे वीडियो को लाइक हमारे चैनल करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, शेयर। गुड बाय।